फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते आप लोगों ने देखा होगा कई डेवलपमेंट्स हैं, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा। वहीं आज एक मीटिंग हुई, बड़ी क्रूशल मीटिंग थी, अमित शाह, आईबी चीफ और एनएसए अजीत डोवाल के बीच। खबर आ रही है एनआईए से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन मामला बहुत सीरियस हो चुका है और देश अब किसी भी चांस को छोड़ना नहीं चाहता है रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन। एनआईए इज सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड एड फ्रॉम यूएसए, यूके, कनाडा, डेनमार्क एंड स्वीडन इन कनेक्शन विद इट्स इन्वेस्टिगेशंस इन द सिख फॉर जस्टिस एंड खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी केस। ये खबर आ रही है। एमईए स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव कन्फर्म टू अ न्यूज एजेंसी दैट सच अ रिक्वेस्ट हैज गॉन टू यूएसए अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। वी हैव इश्यूड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट रिक्वेस्ट टू यूएसए फॉर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर ऑफ सिख फॉर जस्टिस रेफरेंडम 2020 एंड एज पर प्रोसीजर द रिक्वेस्ट हैज बीन डायरेक्टली सेंट टू द यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बाई कंसर्न अथॉरिटीज, ही सेड। एमएचए ऑफिशियल्स कन्फर्म दैट द सिमिलर एक्सचेंज अंडर एमएलएटी इज ऑल्सो हैपनिंग विद अदर कंट्रीज वेयर एसएफजे खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स एंड अदर बॉडीज हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एट इंडिया मिशंस। इट इज एविडेंट दैट प्रोटेस्ट आर पेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट लाइक पम्मा एंड निज्जर एट सम ऑफ दीज प्रोटेस्ट मेक इट क्लियर हु इज ऑर्गेनाइजिंग देम। सिंस दे आर प्रिस्क्राइब टेररिस्ट वी हैव आस्क्ड अथॉरिटीज इन यूके, यूएसए एंड कैनेडा टू टेक एक्शन एंड NIA officer told. On the question of Denmark and Sweden, the officer said that the countries have been asked for information about crowdfunding website GoFundMe.com. Several users have sought donation on the website in the name of Indian farmers. Photographs and videos from the farmer protest site have been shared to justify the cause. Though the NIA say its investigation is not connected to the farmers' agitation, it suspects those raising funds are misusing the name of farmers and the funds may be used for other purpose. We want to know the details about those who are raising money on such platforms, an officer said. The NIA is investigating two separate cases related to Khalistani groups. The first connects to referendum 2020, whereas the second FIR is about SFJ, KTF, BKI and other groups routing funds to India via NGOs to spread disaffection against the Indian state. The charge sheet has been filed against 16 people, including British, American and Canadian nationals in the referendum 2020 case, while summons have been sent to 45 in connection with the funding case. Government serious है इस मामले के चलते। बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जैसे ही उस पर कंफर्मेशन आएंगी। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।